वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया है थर्सडे, सुबह के 11:30 बज रहे हैं और मैं सुबह से सोच रही थी मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना है, लेकिन ओनू के साथ मैं बिल्कुल भी फुर्सत नहीं हो पा रही थी, तो अब जाके मैं ब्लॉग स्टार्ट कर पाई हूँ। तो अभी जो है लंच बन रहा है हमारा, चावल चढ़ाने मुझे बस यहाँ पे हमारे काले चने के लुपके बन रहे हैं। मुझे पहाड़ी खाना ज्यादा पसंद है, डेली दाल चावल ना अच्छे नहीं लगते। तो अभी जो है बहुत सारे मतलब हस्बैंड के 2-3 शूज थे, कल दो मैंने कल वॉश किए, दो एक आज वॉश किए, तो वो सब क्लीन किया और उसके बाद वाइप भी किया था, तब वो वापस लेके आए। तो ऐसे ऐसे काम हो रहे थे और उसके बाद फ्रूट्स लेके आए, फ्रूट्स खत्म हो गए थे तो मैं आज ही लेके आई हूँ सीजन का पहला खरबूजा। तो खरबूजा आ गया है, तरबूज आ गया, मुझे तरबूज उतना पसंद नहीं है, खरबूजा ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं लेके आई हूँ, उसको हम खाएंगे। उसके अलावा अंगूर लेके आई, पालक लेके आई, पालक मुझे छाननी है, फ्रेश फ्रेश है लेकिन ये महंगी हो गई है, पालक का सीजन जाने वाला है ना, तो मैंने सोचा जाते जाते एक बार इसको टेस्ट कर ही लेते हैं, तो बस पालक मैं ले आई। और इसको आप देख सकते हो, इसके साथ ब्लॉगिंग करना इज लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरी जॉब है यूट्यूब, तो करना तो पड़ता ही है ना। तो बेटा इसमें इलायची है, इसे चाय बनाएंगे ना मम्मा शाम को। तो अब जो है, और मिस्टर रावत कोटा में है, मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, तो वो जो है कल या मे बी परसों वापस आने वाले हैं, तो कल परसों में आ जाएंगे वो, या तो ट्रेन से या फिर वॉल्वो से। फ्लाइट की टिकट मतलब मिलती तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली हो जाती है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है इस वजह। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं बाहर आ गई हूँ और यहाँ पे जो मैं प्लांट्स लेके आई थी ना, थोड़े थोड़े सूख रहे हैं, सूख तो नहीं रहे हैं क्योंकि मैं उनमें रेगुलर पानी डालते रहती हूँ, लेकिन मिट्टी सूख जाती है क्योंकि आजकल गर्मी बढ़ गई है, बहुत तेज़ धूप होती है। हालांकि यहाँ पे सुबह सुबह ही धूप पड़ती है इन पौधों पर और उसके बाद दिन भर छाया पे रहते हैं, लेकिन फिर भी गर्मी इतनी हो रही है ना, उसकी वजह से सूख जाते हैं। तो बस मैं इनकी हल्की सी गुड़ाई कर लूँगी और पानी जो मैं सुबह शाम डालती हूँ इनमें, और बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं ये वाले फ्लावर्स ना, तो अच्छे लगते हैं जब घर के आगे इस तरह के खिले खिले फूल होते हैं। और नोनू को जो काम मैं करती हूँ ना, वो सारे काम उसने करने होते हैं, तो उसके साथ ना कभी कभी घर के काम करना या फिर कोई और टास्क कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी वो ज़िद करके बैठा हुआ है कि मुझे गमले की मिट्टी खोदनी है। अंदर आ गए हम और गमले की मिट्टी ना बहुत ज़्यादा सूख जाती है, मैं उसको रोज़ पानी देती हूँ, मतलब दूसरे या तीसरे दिन में पानी दे देती हूँ, लेकिन अब गर्मी बढ़ने लगी है ना, तो इसलिए सूख जाती है जल्दी और उसमें पपड़ी सी जम जाती है ऊपर मिट्टी की, तो इसलिए वो क्लीन करना पड़ता है अच्छे से ताकि प्लांट जो है प्रॉपर ग्रो करें। तो अभी जो है खाना बन चुका है, कुकटॉप क्लीन कर दिया है, मॉर्निंग से ना कुकटॉप क्लीन करने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो अभी मैंने क्लीन करके रख दिया है, बाकी हम लोग खाना खाएंगे, बर्तन थोड़े बहुत हैं वो हाउस हेल्पर आके क्लीन कर देंगे। पालक जो है मैंने छान के रख दी है, मैं सोच रही हूँ शाम को पालक आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊँ, अच्छी होती है, और थोड़ी सी पालक एक्स्ट्रा रखी है, उसको मैं दाल वगैरह में यूज़ कर लूँगी नेक्स्ट डे। तो चावल इसमें बनाती हूँ मैं, इस वाले पैन में, क्योंकि इसमें लिड भी है तो एकदम परफेक्ट चावल बनते हैं। और सैलेड के लिए मैंने खीरा और गाजर कट किया है, तो ये सिंपल सा लंच है हमारा। इसको मैंने हाफ स्वेटर इसलिए बनाया था क्योंकि ना मॉर्निंग में इसने ठंडे पानी से कपड़े गीले कर दिए थे, इस वजह से इसको ठंड ना लगे इस वजह से, लेकिन अब ठंड नहीं है तो मैं इसके स्वेटर वगैरह भी अब एक दो दिन में पैक करके रख दूंगी। तो उनको नींद ना आ रहा है, तो चलिए अब हम खाना वाना खाते हैं और उसके बाद आपसे बाद में मिलते हैं। गुड आफ्टरनून, तो अभी 1:45 बज गए हैं और आज नोनू जो है ना जल्दी सो गया, उसे बहुत तेज़ नींद आ रही थी करीबन 1 बजे से, तो उसको सोए हुए अभी 5 मिनट हुआ है, तो खाना बहुत मुश्किल से मैंने खाया और उसने भी बहुत मुश्किल से खाया, उसे इतनी नींद आ रही थी, आज वो जल्दी उठ गया था ना इस वजह से। तो अभी जैसे ही वो सोया फिर मेरा जियो मार्ट का सामान आया, मैंने जियो मार्ट से थोड़ा घर का सामान मंगाया था जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो टोन मिल्क का छोटा सा पैक मिला है, ये मुझे अच्छा लगता है, तो बड़ा पैकेट का तो मैं मतलब उतना यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए मैंने सोचा छोटा मंगा लेते हैं, तो ये अमूल टोन मिल्क छोटा है, ये छोटा वाला पैक मंगाया है। और जैगरी पाउडर ख़त्म हो गया था, तो ये ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर, नोनू के खाने में जैगरी पाउडर ही यूज़ करती हूँ, शुगर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ ना इस वजह से। और दलिया ख़त्म हो गया था स्वास्थ्य के लिए, तो एक दलिया का पैकेट, और ये फ्रूट बन, ये अच्छा लग रहा था, कभी कभी अच्छा लगता है ये खाने में ना चाय वगैरह के साथ में, तो मैंने सोचा एक ये मंगा लेते हैं। तो ये 2-4 चीज़ें थी जो ख़त्म हो रही थी वो मैंने मंगाई हैं, तो चलिए इसको रखते हैं। और अब जो है एडिटिंग का टाइम है, मैं थोड़ा बहुत वीडियो एडिट करती हूँ और हमारी हाउस हेल्पर भी आने वाली होंगी, तो उसके बाद मैं फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी।
फाइनली हमारा नोनी सो के उठ गया है पूरे 2 घंटे। इसको अपने सैंडल नहीं पहने, बाकी मेरे सैंडल पहने हैं, पापा के शूज़ पहने हैं, और ये शूज़ मैंने वॉश किए थे, यहाँ पे लाके इसने रख दिए, और ये मुझे रखने नहीं देता है ना, तो यहाँ पे लाके इसने रख दिए हैं। तो अब मैं इसको कुछ फ्रूट्स वगैरह खिलाती हूँ और चलते हैं किचन में। यहाँ पे अंगूर जो है दोपहर में लाई थी मैं मॉर्निंग में, ये मैंने वॉश करके रखे हैं, एक बनाना बचा है, और मैंने डिनर की भी तैयारी करके रखी है। ये आलू चॉप कर दिए, पालक मैंने वॉश करके रख दी, और उसके अलावा आटा मैंने गूंद के रख दिया है इसमें। तो अब जो है पहले कुछ खाते हैं, और ये दलिया और जैगरी पाउडर ये अभी रख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा बचा है, 2-4 चम्मच बचा हुआ है, फिर उसके बाद जैसे ख़त्म होगा फिर मैं दोबारा रिफिल कर दूंगी। बेटा आप खाओगे क्या ये? और चाय के साथ में आज मैं ये खाऊंगी, फ्रूट बन 2 हैं इसमें और काफ़ी फ्रेश हैं, एकदम सॉफ्ट लग रहे हैं। इनको ना टच करने से पता चल जाता है ये सॉफ्ट हैं तो एकदम फ्रेश रहते हैं। नोनू जब भी सो के उठता है ना शाम को थोड़ा सा क्रैंकी रहता है, तो बस अभी मैं उसके साथ इसी तरह से माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ शाम के टाइम पे, ताकि मैं डिनर वगैरह बना सकूँ। और इतनी जल्दी आजकल मैं बाहर नहीं लेके जाती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई है और 6 बजे तक भी इतनी तेज़ धूप रहती है, तो वैसे भी वो ज़िद करता है बाहर जाने की, तो फिर भी मैं उसको कोशिश करती हूँ कि अंदर किसी न किसी गेम में उसे इंगेज करके रखूँ। तो सबसे पहले तो उसका फ्रूट्स टाइम होता है शाम को, जब भी सो के उठता है मैं कोई ना कोई फ्रूट उसे ज़रूर खिलाती हूँ। तो यहाँ पे खरबूजा मैंने कट कर दिया है और थोड़ा सा मैं भी उसके साथ खा लेती हूँ, आजकल ना मेरी भी हैबिट हो गई है फ्रूट्स खाने की। अदरवाइज़ पहले तो ऐसा होता था फ्रूट्स ला के रख देते थे हम, और वो कई कई दिनों तक रखे रहते थे, हम खाना ही भूल जाते थे और टाइम ही नहीं हो पाता था फ्रूट्स खाने का। तो नोनू ने हमारी ये हैबिट तो चलो चेंज कर ही दी है। नोनू रो रहा है ना, बाय बोल दो, बाय बाय, यहाँ से यहाँ से, बाय 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 बेटा, दूर से दूर से, बाय 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 बेटा, पापा के शूज, पापा के शूज। तो आप देख सकते हैं स्वास्तिक के फेवरेट टॉयज़ जो हैं घर के बर्तन हैं, वो घर के बर्तनों के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, कुकर, कढ़ाई, ग्लास या फिर बोल। और कैमरा उसके पास लेके आ रही थी मैं क्रेट बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे को देखा उसे कैमरा पकड़ना था, तो उसकी ऐसी मस्तियाँ चलते रहती हैं। आप भी देख देख के ना एकदम फ्रेश हो जाते होंगे कभी कभी उसकी क्लिप्स। तो फिलहाल मैं किचन में आई हूँ और यहाँ पे डिनर बनाऊँगी। नोनू अपना खेल रहा है बर्तन वगैरह के साथ में। तो पालक मैंने पहले ही बॉईल करके रख ली थी, तो आलू पालक की ये सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बनती है, और जैसे घर में पनीर नहीं है ना तो आप आलू डाल के भी इस तरह से पालक की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना सकते हो और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो एक तरफ मैंने उसका मसाला रख दिया है बनने के लिए, आलू जब तक पकेंगे तब तक यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। अमूल का जो ये टेट्रा पैक मैंने मंगाया था जियो से, वो मैंने उसकी चाय बनाई थी और काफ़ी टेस्टी चाय के तैयार हुई थी। हालांकि मैंने थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि अब गर्मी बढ़ने लगी है, उतना ज़्यादा चाय पीने का मन नहीं करता है, लेकिन शाम होते होते इतना सारा काम हो जाता है ना तो फिर मन करता है कि थोड़ी सी चाय तो बन ही जाती है। तो यहाँ पे जो है पालक मैंने ऐड कर दी है, ग्रेवी इसकी बढ़िया बनती है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ पे एक टिप मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, जब भी पालक को बॉईल करती हूँ, बॉईल करने के बाद मैं उसे गर्म पानी में नहीं छोड़ती, तुरंत उसको ठंडे पानी में डिप करके रख देती हूँ ताकि उससे एकदम उसका फ्रेश ग्रीन कलर बना रहे। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है। तो मैंने ग्रेवी रख दी है बनने के लिए, और मीन वाइल यहाँ पे नोनू ने पूरा घर फैला दिया था, तो दिन में 10 से 12 बार मुझे इस तरह से पूरा घर समेटना पड़ता है, और बीच बीच में मैं उसके साथ गेम्स भी खेलते रहती हूँ ताकि वो भी खुश रहे और हैप्पी रहे, एकदम बोर ना हो। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं घर के काम में रह जाती हूँ और फिर वो बेचारा अकेला खेलता रहता है, ये फीलिंग ना बहुत ख़राब होती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इस तरह से। तो मैं घर के काम छोड़ के बीच में उसके साथ खेलने के लिए ज़रूर आती हूँ। बज रहा है शाम के 7:15 और मैंने दिया बत्ती कर दिया, हम लोग काफी देर बाहर घूम के आए। नोनू बाहर इतना खुश रहता है, मिट्टी के साथ पत्थर के साथ खेलना होता है, तो देखो फिर से आ गया। तो अभी इतने सारे कपड़े पड़े हुए आज मैंने शाम को फोल्ड नहीं किए, तो अभी मैं इनको फोल्ड करती हूँ। दिया बत्ती मैंने कर दिया वहां से आके, और इतने गंदे कपड़े बना देता है ना नोनू, तो वहां से आके मुझे बदलने पड़ते हैं। इसके पजामे वगैरह सब चेंज किए, हाथ पैर इसके धुलाए, तो अब जाके थोड़ा सा बॉडी लोशन लगाती हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा स्किन इसके ड्राई हो रही है आजकल, हाथों की और फेस की, तो बहुत ज्यादा ये आजकल मिट्टी से खेलने वाला हो रहा है।
तो चलिए मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करती हूँ। खाना मेरा बना हुआ रखा है, बस मुझे रोटियां बनानी हो। तो सारे कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं और नोनू अंदर खेल रहा है। मैंने टीवी में राइम्स लगाई हुई है तो उसके साथ थोड़ा सा वो बिजी है, लेकिन वो 5 मिनट खेलता है फिर उसे मम्मा चाहिए होती है। तो इस वजह से ना मैं ज़्यादा कुछ व्लॉग में मतलब आप लोगों से बात भी नहीं कर पाती हूँ और मुझे इतना मौका नहीं मिल पाता है व्लॉगिंग करने का। फिर भी मैं कोशिश करके बहुत मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि इतना काम का बोझ क्यों लेते हो, कि आपको तो आप तो अकेले रहते हो, आई थिंक ऐसे कुछ कमेंट आया था। इतना काम भी नहीं होता है कि आपको थोड़ी देर रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिल पाता। तो काम तो उतना नहीं होता है क्योंकि आजकल मैंने हाउस हेल्पर लगा ली है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है मुझे। लेकिन सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन के लिए लगाई है, उसके अलावा भी घर के ढेर सारे काम होते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना, लंच बनाना, नोनू को देखना। सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है, नोनू को देखना, उसके छोटे मोटे काम, नैपी चेंज करना, डायपर चेंज करना, फिर वो इधर उधर भागता रहता है, शैतानियाँ करता है, सामान फैला देता है। मेरा पूरा दिन भर उसी चीज़ में लग जाता है कि सामान समेटो, उसको संभालो। बहुत ज़्यादा ज़िद करता है कभी कभी बाहर जाने की, उसको बाहर घुमाओ अंदर लेके आओ, तो इस तरह से मनाना पड़ता है। उसका फ्रूट्स वगैरह खिलाओ, उसके खाने पीने का ध्यान देना, ये सारी चीज़ें देखना। उसके अलावा आपको पता है यूट्यूब के लिए भी कितना टाइम चाहिए होता है, ब्लॉगिंग के लिए, उसके अलावा एडिटिंग, वॉइस ओवर और थंबनेल वगैरह बनाना। जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं ना उनको पता होता है कि इसके लिए कितना डेडिकेशन और कितना हार्ड वर्क लगता है। एक ब्लॉग आपको 10-15 मिनट्स का मिलता है, लेकिन उसके पीछे 3-4 घंटे की मेहनत होती है, तब जाके वो आपको हम डिलीवर कर पाते हैं। तो इतना आसान नहीं होता है घर के काम के साथ साथ यूट्यूब भी मैनेज करना और अकेले नोनू के साथ मैनेज करना। जो बेबी के साथ अकेले मैनेज करते हैं ना वो समझ सकते हैं। तो मेरे पास ना ऐसा कमेंट आया था कि इतना भी कुछ काम नहीं होता कि आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे रेस्ट करने का टाइम मिलता है, लेकिन मुझे यूट्यूब के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जब नोनू सोता है ना तो मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ, बाकी 10-15 मिनट लेट जाती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं करती हूँ, कि दिन भर काम करते रहती हूँ मशीन की तरह और व्लॉगिंग में दिखाने के लिए कि मैं दिन भर काम करती हूँ बिना रेस्ट किए, ऐसा भी नहीं है। मैं 10-15 मिनट लेटती हूँ, सिर्फ 10 या 15 मिनट नींद आती है, उसके बाद फिर मेरी नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है क्योंकि अब मेरी बॉडी ना हैबिचुअल बन चुकी है इन सब चीज़ों की, और उतनी ज़्यादा नींद भी नहीं आती है, सिर्फ रात को ही सोती हूँ मैं अच्छे से, बाकी दिन में उतनी हैबिट नहीं रही। और अगर मैं दिन में सो भी गई ना तो फिर मुझे रात भर नींद नहीं आती, तो आजकल मेरी बॉडी वैसी बन चुकी है। तो इसीलिए ना खाली सोने से अच्छा है अपना ही काम कर लो, और मेरे लिए ही आसानी रहती है इस तरह से मैनेज करने में। तो बस यही सिंपल सा आंसर था मेरा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना समझाने से ही समझ में आती हैं। तो कई बार ऐसा होता है लोगों को लगता है कि बहुत आसान है ये सब चीज़ें करना, लेकिन जब खुद पे बीतती है ना तब थोड़ा सा पता चलता है कि किस तरीके से हो रहा है सारी चीज़। के बाद सीधा मैं नेक्स्ट मॉर्निंग का शूट कर रही हूँ और अभी करीबन 7:30 बज गए हैं सुबह के। तो नहा धो के सबसे पहले मैं दिया बत्ती कर देती हूँ, मेरा डेली का रूटीन है और आजकल का रूटीन बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करती हूँ जब सुबह सुबह नहा के दिया बत्ती करो ना, बहुत अच्छा लगता है अंदर से और बहुत ही सुकून मिलता है, और साथ ही बहुत सारे काम का बर्डन भी नहीं होता है आपके ऊपर क्योंकि मैं कपड़े वगैरह भी वॉश कर लेती हूँ। और अभी नोनू आराम से सोया हुआ था उसको, इसीलिए मैं आज कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग करने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सफाई पे ध्यान नहीं दे पा रही थी और घर के इतने सारे काम हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम छोटी मोटी क्लीनिंग, जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है घर की, उसको इग्नोर कर देते हैं। मैंने सोचा आज फ्रिज क्लीन करते हैं बाहर से, क्योंकि अंदर से मैंने कुछ दिन पहले ही क्लीन किया था, लेकिन बाहर से भी बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स, पानी के छींटे वगैरह पड़ते रहते हैं ना, तो बहुत गंदा दिखता है। तो मैं पहले गीला कपड़ा करके इसको अच्छे से वाइप कर लूँगी, और उसके बाद मैंने सोचा जब मैं क्लीन कर ही रही हूँ, मेरे पास अभी टाइम है, तो क्यों ना मैं अंदर से भी क्लीन कर लूँ। तो अंदर से भी शेल्फ़ वगैरह निकाल के मैंने क्लीन की थी और शेल्फ़ वगैरह मैंने धुलवा दी थी, और साथ ही जो ये फ्रिज का कवर है, आई थिंक जब से मैंने मंगाया था तब से मैंने वॉश ही नहीं किया था, खाली मैं ऊपर से पोछ देती थी, तो आज मैंने इसको निकाल दिया है, इसको मैं वॉश करूँगी और ऊपर से डस्टिंग वगैरह करके सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो इस तरह से एक्स्ट्रा क्लीनिंग करने का टाइम मिल गया है क्योंकि नोनू आराम से सोया हुआ था और करीबन 8:30 बजे वो उठा था, तो 7:30 से 8:30 बजे तक मुझे पूरा 1 घंटा मिला है ये सब चीज़ें करने का। और
ऐसा बहुत कम होता है कि जब नोनू उठे उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, क्योंकि टाइम नहीं हो पाता था बनाने का और ना ही मैं कर पाती थी। लेकिन आज वो इतना सोया था कि मुझे भूख लग रही थी, मैं इतने सारे काम कर रही थी सुबह से तो। और एक्चुअली मैंने मॉर्निंग में चाय भी नहीं पी थी आज सुबह उठ के, मैं सिर्फ सफाई पे लग गई थी। तो मैंने सोचा नोनू उठेगा तभी मैं चाय पीऊँगी, लेकिन वो उठा ही नहीं। तो मैंने सोचा अब सीधा ब्रेकफास्ट ही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ एग बर्गर, एकदम सिंपल सा मैंने ऑमलेट बना लिया था, उसको निकाल दिया है। बाकी ये जो फ्रूट बन मैंने मंगाया था ये ना मुझे बहुत टेस्टी लगे, बहुत अच्छे लगे, तो बटर लगा के मैंने इनको सेक लिया था और ये मेरा एग बर्गर तैयार हो गया। इसको मैंने चाय के साथ खाया था। मॉर्निंग सुबह के 9:15 हो गए हैं और नोनू तैयार हो गया है। ये उठा था करीबन 9:15 बजे, तो मैंने इसको नहला के तैयार किया है। एक्चुअली मैंने बाल नहीं बनाए क्योंकि अभी इसके बाल गीले हैं, बस मैंने ऑयलिंग की है और ये मुझे बाल नहीं बनाने देता है, तो इसलिए अभी थोड़ी देर में इसको कॉम्ब करूंगी मैं। बाकी इसको मैंने न्यू वाली टी शर्ट पहनाई है आज, जो हम उस दिन लाइफ स्टाइल से लेके आए थे, क्योंकि अब गर्मी होने लगी है। अंदर से थर्मल पहना के रखा है क्योंकि मतलब सुबह शाम को थोड़ा सा ठंड लगती है ना इस वजह से। तो अब जो है ये टी शर्ट इसकी पहनाई है, और इसके जितनी भी पुरानी टी शर्ट थी ना सब इसने गंदी कर दी है, वो साफ ही नहीं होती है, बहुत ज्यादा मिट्टी विट्टी खाने के दाग लगा के रखे हुए, बहुत बेकार लगती है वो और वो साफ नहीं होती, तो इसलिए मुझे ये पहनानी पड़ी इसको। और अब मैं इसका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो स्वास्तिक को ब्रेकफास्ट करा दिया था और इस टाइम पे हमारी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, वो अंदर क्लीनिंग कर रही थी। फिलहाल मैं यहाँ पे बाहर का विंडो क्लीन करूँगी, क्योंकि जैसे आप सबको पता है गर्मी बढ़ गई है अब, और ये विंडो मैंने सर्दियों भर बंद करके रखी हुई थी और मैं इसको क्लीन भी नहीं कर पाई थी और मुझे इतना टाइम ही नहीं हो पाया था, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, इतनी डर्ट इसमें कलेक्ट हो गई थी ना। तो मैंने सोचा आज इसको क्लीन करते हैं, अच्छे से मैंने डस्टिंग की, लेकिन नोनू को अलग रख पाना बहुत मुश्किल होता है तो मुझे उसी के साथ सारे काम करने पड़ते हैं, तो अब मुझे हैबिट ही हो चुकी है। मैंने उसको नहला के तैयार किया था लेकिन वो फिर भी आ गया धूल मिट्टी में मेरे साथ। नोनू तो अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं और अभी सारे घर के काम करके मैं फ्री हुई हूँ। काम इन द सेंस कि मैं क्लीनिंग कर रही थी एक्चुअली, और आज हमारे किचन की LED बल्ब जो है ना वो खराब हो गई है, तो इसलिए मैंने रिंग लाइट जलाई हुई है। थोड़ा सा अंधेरा में भी आपको आ सकता है, तो यहाँ पे मैं कुछ ब्लॉग वगैरह ज्यादा शूट नहीं कर सकती हूँ आज, मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। तो शॉप में गई थी मैं दही लेके आई, मुझे आज बनानी है पालक की झोली। तो पालक मैंने मॉर्निंग में वॉश कर दी थी, इसका पानी ड्रेन आउट हो चुका है, बनाती हूँ इसकी कढ़ी और राइस बनाती हूँ साथ में। कल की आलू पालक की सब्जी भी थोड़ी सी लेफ्ट ओवर है, वो भी उसी के साथ यूटिलाइज कर लूंगी मैं। और जो हमारा डबल बेड का ब्लैंकेट था 4-5 महीने से वॉश नहीं किया था, तो मैंने उसको भिगा दिया था क्योंकि नोनू ने उसमें ना मतलब वो गीला कर देता है बार बार, तो बहुत ज्यादा गंदा भी हो रहा था और बहुत मैला भी दिख रहा था उसमें। तो मैंने 1-2 घंटे भिगो के रखा था, बहुत गंदा पानी उसमें से निकला, बहुत मुश्किल से मैंने वॉश किया है क्योंकि ना बहुत बड़ा हो जाता है तो इसलिए मशीन में भी नहीं आ पाता, तो फिर खुद ही मैंने पैरों से वॉश किया और वो हो जाता है मतलब हल्का हो जाता है ना, उसके बाद मैं उसको छत में डाल के आई हूँ। और नोनू भी मेरे साथ वहीं वॉशरूम में घुस जाता है और इसको भी फिर पानी के साथ खेलना होता है। लकीली आजकल पानी थोड़ा सा नॉर्मल आने लगा है, उतना ठंडा नहीं होता, तो फिर उसके बाद मैंने इसके कपड़े चेंज कर लिए थे और मस्टर्ड ऑयल लगा लिया था, इससे बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। तो आप देख सकते हैं हमारी नोनी यहाँ पे है। बेटा नाइन रिंग लाइट नाइन नोनू पापा बोलो, पापा बोलो, नीचे बैठना है, लो फिर पापा पापा बोलो। और आपको पता है नोनू आजकल पापा बोलता है और एकदम क्लियर बोल के दिखाओ पापा, कैमरा के सामने नहीं बोलता है, वैसे ये पापा बोलता है, काफी दिनों से बोलता है, मम्मा उतना नहीं बोलता है, मम्मम बोलता है, और लेकिन पापा एकदम क्लियर बोलता है। ये देखो नोनी पहनेगा पापा का हेलमेट। मैंने नोनू के कुछ समर वेयर्स निकाले हैं लास्ट ईयर के, क्योंकि थोड़े से बड़े साइज के थे मैंने रख लिए थे, वो जो है ना अभी भी ठीक साइज के आ रहे हैं, मतलब उसको फिट आ रहे हैं। तो ये जो टी शर्ट है बहुत ही अच्छा है, हम लोग रिलायंस ट्रेंड से लेके आए थे लास्ट ईयर टी शर्ट, और ये हाफ डंगरी सेट ये अभी भी इसको आ रहा है, तो इस समर भी ये चल जाएगा। और ये मैंने अमेजोन से मंगाया था, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा था मुझे, फिर भी चल जाएगा क्योंकि टी शर्ट उसके साइज की है और इसमें पूरे रोए उठ गए हैं, बहुत बेकार हो गया ये कपड़ा। ये शॉर्ट लास्ट ईयर जो बहुत लूज हो रहा था, आई थिंक इस बार फिट आ जाए मे बी। और ये वाला शॉर्ट ये भी बहुत लूज हो रहा था और मुझे नहीं लगता अभी भी ये आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये चौड़ा है ना इसकी कमर, और नोनू बहुत ही ज्यादा पतला है, तो देखते हैं कैसा रहेगा। तो ये कुछ नोनू के कपड़े थे और
सबसे अच्छी बात मुझे अपनी दो ड्रेसेस मिली। लास्ट ईयर मैं पहन नहीं पाई थी क्योंकि ना नोनू की वजह से मतलब पहन नहीं पाती थी मैं। मैक्सी ड्रेसेस बच्चे के साथ में नहीं हो पाता जब नोनू छोटा होता है और फीडिंग वगैरह करता है, और उसके अलावा ये मुझे फिट भी नहीं आ रही थी लास्ट ईयर। तो अभी मैंने ट्राई किया, ये मुझे फिट आ रही है तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। लास्ट से लास्ट ईयर आपने देखी होगी ये मैक्सी ड्रेस, मैंने मिंत्रा से ली थी और ये बहुत ही प्यारी है। इसका कलर कपड़ा बहुत अच्छा है और ये एकदम फिट आ रहा है, तो अभी इस गर्मी ये चल जाएगा। उसके अलावा एक और ड्रेस जो मेरे में W का कुर्ता, बहुत ही प्यारा सा कलर, बहुत ही प्यारा सा स्टफ, अच्छा लगता है मुझे ये। ये भी नहीं आ रहा था लास्ट ईयर तो मैंने ऐसे रख दिए थे ये, लेकिन इस साल जो है ना दोनों फिट आ रहे हैं और वैसे भी मेरा वेट कम हो गया है काफी ज्यादा, तो फिट आ रहे हैं, तो इस समर में ना मैं ये दोनों पहनने। और अभी आई थिंक शाम के 4 बज गए हैं। स्वास्तिक आज जल्दी उठ गया था क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो गया था, पड़ोस में गाने वगैरह बज रहे थे ना उसकी वजह से। तो यहाँ पे नोनू को मैं अपने साथ ले आई हूँ और बन रही है खीर, तो अभी मैं आके बताऊँगी कि किस उपलक्ष्य पे बन रही है। फिलहाल यहाँ पे चावल की खीर बना रही हूँ मैं। चावल मैंने सोख करके रखे थे आधा एक घंटा पहले, और आजकल दोपहर के टाइम पे यहाँ पे बहुत तेज़ धूप आती है तो गर्मियों में ना यही दिक्कत रहती है, सर्दियों में नहीं आती, गर्मियों में काफी तेज धूप आती है। और नोनू भी मेरे साथ किचन में काम कर रहा है। अभी जो है ना 4:30 बज रहे हैं और नोनू आज जल्दी उठ गया क्योंकि जल्दी सो गया था। और तो अभी जो है मैं सब्जी बना रही हूँ आलू बैगन की, और आज है बैसाखी, तो सबसे पहले बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, तो उसके उपलक्ष्य पे मैं भी बना रही हूँ चावल की खीर। तो हमारे यहाँ भी त्योहार बनता है, मम्मी लोग भी कुछ ना कुछ बनाते हैं घर पे, इडली या फिर वो बनते हैं बड़े मांस की दाल के बड़े या फिर मांस की दाल की पूरी आज के दिन, तो मैं वो सब नहीं बना पाऊंगी तो मैं सिंपल सी चावल की खीर बना रही हूँ जो कि नोनू भी खा लेगा और मैं भी खा लूंगी। 5:30 बज गए हैं और सारा काम हो गया है मैं, और अब हमारा बाहर घूमने का टाइम हो गया है। ये वाला विंडो मैंने ओपन कर दिया है, यहाँ से ना अच्छी हवा आ रही है अब, तो आज मैंने काफी अच्छे से क्लीन किया बहुत महीनों के बाद, तो ऐसा लग रहा है ना एक फ्रेश फ्रेश एयर अंदर आ रही है और एक नई ऑक्सीजन मिल गई मेरे विंडो को। बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी, धूल मिट्टी पूरी लेयर जमी हुई थी, तो आज बहुत साफ सुथरे अच्छे लग रहे हैं ना। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।